की जा रही है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब एक और अहम और बड़ी खबर की करेंगे और बताएंगे आपको गौहर कुछ है कि उस बड़े केस का क्या हो रहा है जिस केस को लेकर हुकूमत पर बड़े सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन सीबीआई ने अब आहिस्ता आहिस्ता करके सब पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, हम आपको बताते चले जो कि एसएसबी की जानिब से सब इंस्पेक्टर की भर्ती अमल हुई थी, उसके बाद ही उसमें कुछ घोटाला सामने आया था और इंतजामी की जानिब से मामला सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई की जानिब से लगातार कार्रवाई की गई है और दो रोज कबल ही करीब 36 मकामात जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सीबीआई की छापामारी हुई है। अब सीबीआई की जानिब से 3 अफराद को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है जिनमें से एक सरकारी टीचर और एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला मामला है, इसमें सीबीआई की कार्रवाई जहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी रिपोर्ट में जब सीबीआई की छापामारी हुई तो शाम देर गए उसी दिन एक बयान जारी हुआ था जहां पर ये कहा गया है कि जो सवालनामे हैं वो फरोख्त किए गए हैं और इम्तहानात से कबल ही उम्मीदवारों से 20 से 30 लाख वसूल किए गए हैं जो हरियाणा डोमिसाइल लोग इसमें शामिल थे, ये सीबीआई की जानिब से कहा गया है। अब उसमें 3 अफराद की गिरफ्तारी हुई है जिनमें एक पुलिस एहलकार और साथ ही साथ एक टीचर गवर्नमेंट टीचर भी शामिल है। उसके बाद ही सीबीआई ने इन तीनों को कोर्ट में पेश किया है और उसके बाद ही 10 दिनों की रिमांड हासिल की गई, उन्हें 10 दिनों तक रिमांड पर लिया गया है और इस सिलसिले में लगातार पूछताछ भी और तहकीकात भी जारी है क्योंकि बताया जाता है कि इसमें कुछ पुलिस अफसरान भी शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ सीआरपीएफ के साबिक अफसरान और जो इस वक्त भी मौजूदा वो भी इसमें शामिल हैं। बताया जाता है कि उन पर भी ये जो है शिकंजा कसा जाएगा और साथ ही साथ जो एसएसबी के साबिक चेयरमैन उनसे भी पूछताछ की गई, उनके घर पर भी छापामारी हुई है और एग्जाम कंट्रोलर उनके घर पर भी ये छापामारी हुई है। हमने देखा है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी सीबीआई की जानिब से छापामारी हुई थी। सीबीआई ने कम से कम 6 रियासतों के अंदर बशमूल यूनियन टेरिटरी के अंदर 33 मकामात पर छापामारी की थी और सीबीआई के हाथ कई अहम दस्तावेजात लगे थे। फिलहाल 3 लोग जो मेजर 3 लोग माने जा रहे हैं जिनके आसपास ये पूरी इंक्वायरी घूम रही थी, उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आई और गिरफ्तार शुदगान को जहां डेजिग्नेटेड कोर्ट के सामने पेश किया गया तो कोर्ट ने फिलहाल 10 दिन की सीबीआई रिमांड को उन तीनों को दे दिया है। सरकारी टीचर, पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं सब इंस्पेक्टर पेपर लीक के मामले में। अब कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं जी, सीबीआई की तरफ से जो रेड स्टेट्स किए गए वो डिटेल्स आपके सामने, लेकिन एक्यूज्ड जो है अभी मैं इनको एक्यूज्ड रखूंगा क्योंकि कोर्ट के आने तक जब लास्ट वर्डिक्ट नहीं आता तभी जाकर इनको मुलजिम हम बताएंगे। अरेस्टेड एक्यूज्ड जो है, मुबैना मुलजिम जो है, इनकी आइडेंटिफिकेशन जो हुई है जी वो रमन शर्मा वलद चुनीलाल, ये नायरिया खोर एरिया का रहने वाला है जी, ये सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल था जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर। सुरेश कुमार वलद रामलाल, ये जनाब अखनूर का रहने वाला है और उसके साथ साथ जगदीश शर्मा वलद धनी राम, ये भी खोर का रहने वाला, ये सरकारी टीचर है। इन तीनों के आसपास ही ये पूरा मामला जो है वो फिलहाल चल रहा है कि इन्होंने किस तरीके से पेपर खरीदा, उसके बाद किस तरीके से इसको लीक किया और लाखों रुपए की इवज में ये सारा मामला जो है वो चलाया है। इधर जराया बता रहे हैं कि ये जनाब 3 नहीं है बल्कि कई और की गिरफ्तारी चंद दिनों के अंदर अंदर मुतवक्का है क्योंकि डेजिग्नेटेड कोर्ट्स और दीगर मामला को देखा जा रहा है और उसके साथ साथ अब ये भी माना जा रहा है कि क्या ये लोअर पैमाने पर यानी कॉन्स्टेबल लेवल तक ही महदूद था या फॉर्मर सीआरपीएफ ऑफिसरों तक ही महदूद था या ये सिर्फ मोहरे थे, दरअसल चलाने वाला कोई और था। सीबीआई इस हवाले से भी देख रही है और सीबीआई जराया ये लगातार बता रही है कि इस केस की बारीक बीनी से छानबीन हो रही है और जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके क्रेडेंशियल्स और उनके असासों को भी देखा जाएगा और देखा जाएगा कि ये जो करोड़ों रुपया कमाया गया ये कहां पर है, किसके हाथ में। तो फिलहाल 3 लोगों को रिमांड पर दे दिया गया है 10 दिन के लिए सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले पर सीबीआई की कार्रवाई सामने आई है।